नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। 6 बज चुके हैं। 6 बजे में 6 बड़ी खबरों का हम जिक्र करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आप पार्टी सड़क पर उतर चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के दफ्तर पहुंचने से पहले इन्हें रोक दिया। आपके प्रदर्शन और इस पर सियासत की पूरी खबर भी विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे एमपी कांग्रेस की। कल बड़ी बैठक होनी है, बैठक किस मुद्दे पर होगी ये भी बताएंगे। वहीं बात करेंगे शालीमार एक्सप्रेस, जिसके साथ बड़ा हादसा टल गया, कहां और कैसे हुआ हादसा ये भी बताएंगे। वहीं दुर्ग में डायरिया का क्या है हाल ये भी बताएंगे। इसी के साथ ही इंदौर में 2 मौत के ऐसे मामले सामने आए जो चौंकाते हैं, क्या है पूरा मामला ये भी बताएंगे। और अंत में बात करेंगे एक ठगी की। स्वाति मालीवाल के मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची और सीएम हाउस से घटना से जुड़े डीवीआर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर गई है। एक सील बंद बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर आई, साथ में सिविल लाइंस थाने के SHO और एडिशनल DCP भी सीएम हाउस से बाहर निकले। दिल्ली पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर रही। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी घर पर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस को शक है कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। अरविंद केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी को लेकर आप पार्टी ने मार्च किया। बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले पुलिस को आप नेताओं ने रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पुलिस के बीच बहस हुई। पुलिस ने आप पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही बीजेपी हेडक्वार्टर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए, साथ ही बैरिकेडिंग भी की। पुलिस के रोकने के कुछ देर बाद आपने प्रदर्शन को खत्म कर दिया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां पर आम आदमी पार्टी के ये नेता कार्यकर्ता दिग्गज जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस की बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इन सभी को रोकती हुई, समझाती हुई नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को रोका, साथ ही साथ उनके साथ नेता कार्यकर्ता थे उन्हें भी रोका गया। और इससे पहले अपने पीए की गिरफ्तारी पर सीएम अरविंद केजरीवाल बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया, राघव चड्ढा बाहर से आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं केजरीवाल ने कई और नेताओं को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, बताओ मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए, फोन फॉर्मेट किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे जो एक घटना घटी है
उस विषय को लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। स्वाति मालीवाल के इंसिडेंट के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। देखिए, संदेश खले की घटना हुई, कांग्रेस भी चुप रही, आम आदमी भी चुप रहा, महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बोले। दूसरा, मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ जो अत्याचार किया जाता है जी, लात घूसे मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने उसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अगले कई दिन तक चलाता है। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि महिलाओं का सम्मान इन राजनीतिक दलों में नहीं। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल को घेरा। कंगना के मुताबिक पूरी घटना ने केजरीवाल की महिला विरोधी सोच को सामने ला दिया है। क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी कहती है सब कुछ बीजेपी ने करवाया है। इसको आप कैसे देखती हैं? एक तरह से एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वहाँ का राजा होता है, यू नो, वो उसके प्रजा होते हैं और वो लोग उनके जो भी जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करना वो उसका कर्तव्य होता है। और आप जो है इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक वुमन का जो है शोषण कर रहे हैं, उनके प्रताड़ित कर रहे हैं और स्पेशली वो एक अपने पीरियड्स पे है। तो मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरा मुझे वाक्य है ना याद आता है जो महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रयागराज और फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में बड़ा हंगामा देखा गया। रैली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पहुंचते ही हंगामा शुरू होने लगा। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गए। हंगामे की वजह से दोनों नेता ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। ये तस्वीरें आप देखिए, हंगामे की तस्वीरें। और फूलपुर के बाद दोनों प्रयागराज रैली को संबोधित करने पहुंचे थे लेकिन यहां भी भीड़ जो है बेकाबू हो गई। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल अखिलेश की रैली की पहली तस्वीर और किस तरह से आखिर रैली में भगदड़ मच गई, कैसे लोग भागते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है बेकाबू हो गए हैं। तीसरी तस्वीर आपके सामने, वहीं चौथी तस्वीर जहाँ पर मंच पर चढ़ने की होड़ देखी गई। हर कोई मंच पर जाना चाहता था और इसी होड़ में धक्का मुक्की और भीड़ भड़ाका देखा गया। आपने समाजवादी पार्टी भीड़ ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। अव्यवस्थाओं का आलम ये नजर आया कहीं ना कहीं। जैसा यहाँ जोश देखने को मिल रहा है, प्रयास किया गया पर कोई रुकने को तैयार नहीं। भगदड़ की तस्वीरें जो है पूरे समय देखने को। भोपाल में कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा चुनाव के 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है और इस बैठक में एमपी प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की स्थितियों पर मंथन होगा, साथ ही प्रत्याशियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। कांग्रेस की ये बैठक होने वाली है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की कल बैठक होगी भोपाल में। 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है, मंथन होगा। एमपी प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को भी बैठक में बुलाया गया और वो बैठक लेने के लिए पहुंचेंगे और बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है। फीडबैक जो है लिया जाएगा, प्रत्याशियों का फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। तो एक तरफ बैठक होनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता अलमास सलीम ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए बीते शनिवार को इस्तीफा भी दे दिया। अलमास सलीम ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के
को जो है त्याग पत्र लिखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज की उपेक्षा की और सिर्फ वोट बैंक समझा, ये बहुत चिंताजनक। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी तक तो हम देख रहे थे कई दिग्गजों का मोह भंग हो रहा था और कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता कांग्रेस नेताओं को सता रही थी और बीजेपी का रुख कर रहे थे, पर अब तो मुस्लिम समाज के भी नेता बीजेपी तो छोड़िए पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोह भंग हम कह सकते हैं और भविष्य की चिंता भी कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम अलमास सलीम की पार्टी छोड़ने की बात करें तो अलमास सलीम के पिता मोहम्मद सलीम कमलनाथ के काफ़ी करीबी थे और एक काफ़ी पुराने नेता थे, वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन उनके बेटे अलमास सलीम ने जिस तरह से पार्टी से किनारा किया है, उन्होंने दो बड़ी बात उठाई है जो समझना होगी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुस्लिमों की अपेक्षा का और उपेक्षा जिस तरह हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए कि पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं। साथ ही उन्होंने महिला अस्मिता को लेकर जो पिछले दिनों पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी वाला जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं अलमास सलीम ने उसका भी जिक्र किया कि यहाँ पर महिलाओं का भी सम्मान नहीं हो रहा है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार या उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े मुद्दे हैं जिससे अलमास सलीम ने पार्टी छोड़ी और पीसीसी के ऊपर सवाल खड़े किए, पीसीसी चीफ पर सवाल खड़े किए, पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। और सभी मुद्दों को लेकर के बैठक भी लगातार कांग्रेस करती आई है और एक नई बैठक कल भी होने जा रही है। कितनी खास ये बैठक रहेगी, क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं फीडबैक के अलावा? देखिए, जहां जिस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा है, विधानसभा में करारी हार के बाद ऐसा लग रहा था कांग्रेस काफी पस्त है और विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी 29-0 के मिशन पर काम कर रही थी। तो कांग्रेस ने अब कल उन सारे लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को बुलाया है, फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सीट पर मजबूत है या कौन सी सीट पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी प्रत्याशियों को कि जब काउंटिंग हो तो किसी तरह की अगर गड़बड़ लग रही हो या ऐसा लग रहा हो कि ईवीएम में कहीं पर काउंटिंग में कुछ दिक्कत है तो उन चीजों का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस मान के चल रही है कुछ सीटों पर वो जीत सकती है और इसीलिए पूरी बैठक कल की रखी गई है, रणनीति बनाई जाएगी इसमें। अहम मुद्दे, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और बात रायपुर की, रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा टल गया। कुर्ला एक्सप्रेस के बोगी पर बिजली का पोल गिर गया, हादसे में 4 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। ट्रेन की S6 बोगी पर ये बिजली का पोल गिरा, ये तस्वीर देखिए आप, रायपुर के उर्ला स्टेशन पर ये बड़ा हादसा हम इसे कह सकते हैं, ये हादसा होना बताया जा रहा है। हालांकि ज्यादा लोग इस हादसे के शिकार नहीं हुए, किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही। शालीमार एक्सप्रेस 18030 पर बिजली का पोल गिरा, हादसे में कई बोगियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। मामले में ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई। ओरकुटा गेट के पास CSEB की एक ड्रिल मशीन रेलवे ट्रैक पर अंडरग्राउंड के केबलिंग के लिए ड्रिल कर रही थी और इसी दौरान ड्रिल मशीन का ड्रिल ऊपर उठ गया और ये हादसा हुआ। जहां हादसा हुआ वहां कोई रेल कर्मचारी और CSEB का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। वो आदमी उधर से आए थे दौड़ते हुए, तो उन्होंने बताया कि आप गरीमर बाहर निकले आए, मतलब तो मैंने फिर तुरंत उसको बंद किया। आप अकेले काम कर रहे थे वहाँ, कोई था नहीं? दो लड़के थे, ये रॉड लगाने वाले, मैं मशीन चलाता था। अच्छा, रॉड लगाने वाले, तो रॉड कहाँ से लगा रखे हैं? ये रखा है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं? नहीं सर, कोई नहीं था। अच्छा, ये बताओ कि काम कौन करा रहा था? सर काम का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो ओनली मशीन चलाना है बस। अच्छा, आप मशीन चला रहे थे, काम कौन करा आपसे मतलब नहीं? नहीं, हमारे कोई मतलब सुपरवाइजर जाने, कोई भी जाने। अच्छा, आपको बोले थे सिर्फ मशीन चलाना, आप मशीन चला रहे हैं। दुर्ग में डायरिया का प्रकोप जारी है और इस बीच डायरिया के 2 नए मरीज मिले हैं। बोड़े गांव में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 53 पर पहुंच चुके हैं। डायरिया के मरीजों के हालात पर स्वास्थ्य विभाग भी निगरानी रख रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर
निगरानी बनाए हुए है कि आखिर किन्हीं कारणों से ये जो प्रकोप बढ़ रहा है कैसे न कैसे करके इसे रोका जाए। अलग अलग जगह पर हमने ये भी देखा कि कैंप जो है लगाए जा रहे हैं और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है और खास बातें भी कही जा रही हैं कि आखिर कैसे इससे बचा जाए, हाइजीन का खास ध्यान दें, तो वहीं हाथों को ढंग से धोएं, खुद को जितना हो सके हाइड्रेट रखें, तो ये तमाम बातें भी डॉक्टर्स के द्वारा कही जा रही हैं। आगे बढ़ें।